वर्ल्ड कप 2024 से पहले टीम इंडिया एकमात्र T20 सीरीज खेल सी और अब इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया को ऐलान हो चुके हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में 14 महीने के बाद में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हुई है। यह T20 सीरीज 11 जनवरी से 17 जनवरी तक इंडिया में खेली जाएगी। यह जो T20 सीरीज है इसके लिए टीम इंडिया को ऐलान हो चुकी है और T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले टीम इंडिया मात्र 3 T20 मैच खेल सी। तो सोम पुलाथन बखेड़ा को नाम बताऊं जगह ने बीस से ही अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुने। इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने एक बार फिर से टीम इंडिया का कप्तान बनाए हुए हैं। तो टीम में रोहित शर्मा, शुभम गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा जो कि विकेट कीपर है, संजू सैमसंग विकेट कीपर, शिवम दुबे, सुंदर अक्सर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह और मुकेश कुमार ने टीम में जगह मिली है। यह जो T20 सीरीज है यह वर्ल्ड कप 2024 में देखता सबसे महत्वपूर्ण T20 सीरीज है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ और सिर्फ यह एकमात्र T20 सीरीज टीम इंडिया खेल सी। रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों खिलाड़ियों ने इस T20 सीरीज में मौके मिले हैं। ये दोनों खिलाड़ी बहुत दिनों से T20 से बाहर है और ये आपको लास्ट मैच 10 नवंबर 2022 ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलो और यह सेमीफाइनल मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 को मैच हो। तो 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद में रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 में आपको पहला मैच खेल सी, यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद में मात्र 3 मैच खेल सी और इसके बाद में एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप 2024 खेल सी। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन तीन खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं। तो ये तीन खिलाड़ी टीम से बाहर हैं लेकिन इनके सागे सागे श्रेयस अय्यर और जडेजा ने टीम में मौको कुन मिले। और सागे अगर बॉलिंग में बात करा तो बॉलिंग में बुमराह और मोहम्मद सिराज ने आराम दिए हुए हैं लेकिन इस T20 सीरीज में IPL में चेन्नई सुपर किंग्स से खेल वाले शुभम दुबे ने मौको मिले हैं। अब अगर मैं बात करूं T20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम के बारे में तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो टीम चुनी जाओगी उनमें 5 खिलाड़ी जगह पक्की है। इनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जडेजा, KL राहुल और शुभम गिल ये कुछ 5 खिलाड़ी हैं जिनकी जगह पक्की है लेकिन जो बाकी जो 4-5 खिलाड़ी बच गए उनको चयन IPL के आधार पर हो सका है क्योंकि 2024 को T20 वर्ल्ड कप इस साल जून में खेले जाने हैं, यानी कि जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो IPL के बाद में होगा। तो IPL में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा बिको चैन T20 वर्ल्ड कप में होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 सीरीज है यह वर्ल्ड कप के लिए इतनी महत्वपूर्ण कुन है, यानी कि इस सीरीज से वर्ल्ड कप के ऊपर कोई भी प्रभाव कौन पड़ सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर थानी वीडियो चोखा लगी हुआ है तो वीडियो लाइक कर दो और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर लो।